मेरे प्रिय भाई और बहनों, चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए और वे सार्वजनिक कार्य शुरू किए, उस समय से सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा देते थे, मृतकों को जिलाते थे, पापमय अवस्था में जी रहे लोगों को स्वतंत्र किए थे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए थे। इसके बावजूद एक सच्चाई यह है, अधिकतर लोगों ने, विशेष करके यहूदी धर्म के लोगों ने, यीशु का तिरस्कार किया। चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद, उनकी दिव्य वाणी को सुनने के बावजूद, लोगों ने, अधिकतर लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के बारे में प्रभु यीशु यौहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। वे अंधकार में जीना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनके कर्म ही बुरे थे। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु घोषित करते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसके बावजूद लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। तीमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया है। सुसमाचार की ज्योति के द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया है, और प्रभु ने ऐसा किया, इसके बावजूद लोगों ने उनका तिरस्कार किया। नतीजा क्या था? जैसा कि स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। यह नतीजा था, अंधकार, मृत्यु की छाया में दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए। मेरे मन में बराबर एक सवाल खड़ा होता है, वो सवाल यह है कि हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहां पे कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इतने सारे धर्म होने के बावजूद हमारे देश की क्या स्थिति है? बड़ी दयनीय स्थिति है। कई वर्ष पहले मैंने एक टेम्पो के पीछे लिखा हुआ देखा, क्या लिखा हुआ था? मेरा भारत परेशान, 100 में 99 बेमान। मेरे मन में बात उतरती नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूं, इतने धर्म हैं, इतने गिरजाघर हैं, इतने मंदिर हैं, इतने पगोड़ा हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारा हैं, इसके बावजूद ऐसा क्यों होता है? इतना अपराध क्यों? इतना पाप क्यों? लोग गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इसके बावजूद एक दूसरे से घृणा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म के सारे कार्य करते हैं, इसके बावजूद कितनी बेईमानी है, लोग बेईमान हैं। इतने धर्म हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, धर्म की बातें होती है, इसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार है, कितना अत्याचार है, कितना व्यभिचार है, कितना लोग झूठ बोलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, झूठ का प्रचार करते हैं, झूठ का साथ देते हैं, ऐसा क्यों?
इतनी चोरी, डकैती, घूसखोरी, जमाखोरी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये बात गरीबों के बीच में नहीं है, शिक्षित और धनी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इससे भी दयनीय बात यह है कि उनको पाप बोध है नहीं, घमंड करते मैंने इतनी बेईमानी से कमाया है। इससे दयनीय बात क्या हो सकती है? ऐसा क्यों? धर्म है, धर्मी है, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर की ज्योति को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया है। ईश्वरीय ज्योति को अपने हृदय और मन में और आत्मा में उतरने नहीं दिया है। कुरिंतियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के देवता ने उनके मन को अंधा बना दिया है, जिससे वे ईसा मसीह के सुसमाचार की ज्योति को देख नहीं पाते। ईश्वर की ज्योति को पाने के लिए वे असमर्थ हो गए, क्योंकि संसार के देवता शैतान ने उनकी आंखों को अंधे बना दिए हैं। इसलिए नतीजा पाप में जी रहे हैं। हर कोई यहां अपराधी है, पापी है। जिसको मौका मिल जाता है अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार करता है। हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है पाप का दास है, और इसलिए वे पाप के दास बनकर जीते हैं। पाप से छुटकारा नहीं पाते हैं, ना पाने की कोशिश करते हैं। उनके कर्म बुरे थे, प्रभु यीशु ने कहा, वे पाप के दास बनकर जीते हैं। ऐसे में समाज और मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य पाप में जी रहा है, अपराधी कार्यों को करते जा रहा है, अधर्म करते जा रहा है, उसके परिणाम को भोगना ही पड़ेगा। और सच्चाई यह है, आज संसार मनुष्य के पाप का परिणाम ही झेल रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ को अच्छा बनाया, लेकिन हमने सब कुछ को बुरा बना दिया है, बेकार कर दिया है। तो जब तक हमें पाप से छुटकारा ना मिले, कई लोग क्या करते हैं, पाप में जी रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झूठ बोल रहे हैं, घृणा रखते हैं, इसके बावजूद पाप के परिणाम से छुटकारे के लिए प्रयास करते हैं, ढूंढते रहते हैं क्या उपाय है। पाप छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके परिणाम से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पाप का स्वभाव विनाशकारी है। मैं कई बार बोल चुका हूं, पाप का स्वभाव विनाशकारी है। जहां पाप है वहां पर विनाश है। इसलिए पाप से छुटकारा पाना जरूरी है। पाप के क्या परिणाम है, हम संक्षेप में इस पर मनन करेंगे। सबसे पहला परिणाम अशांति। स्तोत्र ग्रंथ की अध्याय 38 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं बताया जाता है। और हम मानते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ राजा दाऊद ने लिखा है। राजा दाऊद ने पाप किया, क्या पाप किया? इसराइल का यशस्वी राजा दाऊद ने पाप किया, ईश्वर की दृष्टि में बहुत प्रिय राजा ने पाप किया। अपनी ही सेना के एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। जब उसको पता चला कि वो गर्भवती है, इस सती को छिपाने के लिए उसके पति को, उस सैनिक को मरवा डाला। और उस समय राजा दाऊद के ऊपर विपत्ति का ढेर आया, समस्या पर समस्या आ गई। उनका ही एक बेटा उनके खून के लिए उतावला हो गया।
राजा दाऊद को यरूशलेम यानी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा, नंगे पांव पहाड़ की ओर भागना पड़ा। राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, काइन ने, आदम का बेटा काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, उसके बाद उसके ऊपर उसका दंड आया। वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ेंगे, काइन कहता है कि यह दंड बहुत ज्यादा हो गया, मैं एक आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, इसलिए कि मैंने अपराध किया, मैंने अपने भाई का कत्ल किया, मैं एक आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, मैं अशांत और बेचैन रहूंगा। उसने सोचा था कि हाबिल की हत्या हो जाएगी, समस्या समाप्त हो गई, लेकिन समस्या तो अब शुरू हो गई। कई लोग भी ये सोचते हैं कि उसकी हत्या हो जाएगी, कत्ल करवा देंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बार की समस्या समाप्त हो गई, लेकिन असली समस्या अब शुरू है। अंदर परेशानी है, बेचैनी है, अशांति है, घबराहट है, जीने को डरते हैं। पाप का नतीजा अशांति हमें राजा साउल के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसराइल का पहला अभिषिक्त राजा साउल ईश्वर की दृष्टि में प्रिय था, उसने पाप किया, प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया ही, उससे बढ़कर वह दाऊद को मार डालना चाह रहा था, तलवार लिए उसकी खोज में निकल पड़ता था उसको मार डालने के लिए, हालांकि दाऊद निर्दोष था। जानते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31 में आप पढ़ेंगे कि साउल का निधन कैसे हुआ। साउल ने अपनी तलवार से अपने आप को मार डाला, आत्महत्या करता है। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। लोग सोचते हैं पाप करने से हमें समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, सच्चाई यह है असली समस्या वहां से शुरू हो जाती है। तो पहला परिणाम है, जब हम पाप करते हैं हम अशांत हो जाते हैं, टेंशन में लोग रहते हैं, टेंशन में अशांत, सो नहीं पाते, भोजन नहीं कर पाते। दूसरा परिणाम है, हम घायल हो जाते हैं, पाप के द्वारा हम घायल हो जाते हैं। हम क्यों पाप करते हैं? सुख के लिए, सुविधा के लिए, लाभ के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पाप के द्वारा हम घायल हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। एवरी सिन इज लाइक ए डबल एज्ड सोर्ड, हर अपराध दुधारी तलवार के समान है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। हम सुख के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए पाप करते हैं, लेकिन उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे को दुख तो दिया, उससे ज्यादा हमने अपने आप को चोट पहुंचाया है। चोरी किए, गाली दिए, झूठ बोले, उस समय अच्छा लगा, लेकिन बाद में हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को दुख पहुंचाया, हमने अपने आप को चोट पहुंचाया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 4 में वचन कहता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। हर पाप के द्वारा हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, हम घायल होते जाते हैं। यही कारण है कि पाप के बाद हमारे अंदर शांति नहीं रहती है, टेंशन बना हुआ रहता है, आंतरिक शांति नहीं रहती है, आनंद नहीं रहता है। इसयास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे,
मैं तुमको कहां मारूं, तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, तुम्हारे अब विद्रोह के कारण तुम स्वयं घायल हो गए हो, पाप के द्वारा। मनुष्य दूसरों को दुख देता जरूर है, ईश्वर को दुख देता जरूर है, लेकिन उतना ही अपने आप को घायल कर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है पाप का परिणाम, रोग और शाप का बंधन। आपने सुना होगा, देखा है, बहुत सारे परिवारों में रोग के बाद रोग आते रहता है, एक रोग के बाद दूसरा रोग। उनका अधिकतर पैसा अस्पतालों में और दवाखानों में खर्च होता है, रोग पर रोग, रोग पर रोग, रोग पर रोग। कई लोग यहां पे आश्रम में आने वाले मुझे आकर बताते थे कि स्वामी जी, प्रभु के पास आने से पहले हम लोग इतना पैसा अस्पतालों में खर्च करते थे, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद, उनका वचन सुनने के बाद, उनके मार्ग पर चलने के बाद एक टिकिया तक नहीं खरीदते। एक सच्चाई है, मनुष्य अपने पापों के कारण रोगी बनता जा रहा है। जितना ज्यादा अपराध उतना ज्यादा रोग, उतनी ज्यादा पीड़ाएं। कई परिवारों में मैंने देखा है कि रोग पर रोग, एक के बाद दूसरा रोगी, पूरे घर से रोग मिटता नहीं है, हेरिडिटरी, मां बाप से रोग बच्चों को मिल जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 15, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह वैद्यों के, चिकित्सकों के हाथों पड़ जाएगा। जो प्रभु के सामने पाप करता है वह चिकित्सकों से बच नहीं पाएगा, अंत में वो वहां पहुंच ही जाएगा। पाप हमें रोगी बना देता है, हमारे अंदर शाप आ जाता है, मिटता नहीं है, एक के बाद एक रोग। समाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगियों को चंगा किया, एक अर्धांग रोगी लूकास अध्याय 5 में, दूसरा अर्धांग रोगी यूहन्ना अध्याय 5 में, दोनों अर्धांग रोगियों के पापों को प्रभु ने क्षमा किया और उसके बाद चंगाई दी, क्योंकि प्रभु जानते थे कि इनके रोग की जड़ इनकी आत्मा में है। हम में से कई लोगों के रोग का जड़ हमारी आत्माओं में है, जब तक हमारी आत्माएं शुद्ध पवित्र नहीं होती है तब तक हम चंगे नहीं हो सकते हैं, चंगे होंगे भी दवा के द्वारा, फिर हम रोगी बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र 107 वाक्य 17 बार बार आपने सुना है, स्तोत्र 107 वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। स्पष्ट शब्दों में प्रभु कहते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। हमारे पाप हमें बीमार कर देते हैं, इसको अलग मत रखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आपका शरीर मन हृदय आत्मा एक है, आप इसमें जो कुछ करेंगे उसकी तरंगे सर्वत्र पहुंच जाएंगी। आपके शरीर में हाथ में चोट लगती है तो सिर्फ यहां दर्द नहीं होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, आपका समूचा व्यक्तित्व एक है, इसलिए जो भी हम करेंगे उसका नतीजा हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। तो पाप हमें रोगी बना देता है, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, हमारा जीना मुश्किल कर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात है पाप का परिणाम, हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं, हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में निवास करता है।
प्रभु पर विश्वास करने के कारण पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लग गई है। पवित्र आत्मा में निवास करता है। पहला यौहन अध्याय 4:4 यौहन कहता है कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। जो पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, हमारे पापों के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा के सानिध्य से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 13 में, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कर, मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कर। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं करता, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील नहीं होता, तो हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, हमारा जीवन सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। हमें सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है, राजा साऊल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। राजा साऊल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया और राजा साऊल को प्रभु ने तिरस्कार किया। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया और अशुद्ध आत्माएं उसको सताने लगी। पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया और अशुद्ध आत्माएं उसको सताने लगी। जब हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा को हम अपने जीवन में रहने नहीं देते। कि आप नहीं जानते, कुछ लोग बहुत, उनका अंतःकरण मर चुका है, कठोर हृदय वाले हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अश्लीलता के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी कहीं भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनका अंतःकरण एक तरह से मर गया है, उनके अंदर से पवित्र आत्मा उठ गया है। वे शारीरिक हो गए हैं, पूरी तरह से शारीरिक हो गए हैं, वासना के वश में हैं, घृणा के वश में हैं, लोभ के वश में हैं। हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में 15:16 में, सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी शक्ति होती थी, उसके शरीर में बड़ी शक्ति आती थी और दुश्मन राष्ट्रों को नष्ट कर पाता था, वो दुश्मनों को हरा पाता था। लेकिन अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि वह एक नारी के प्रेम के वश में पड़कर अपनी शक्ति को गवा देता। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने उसको त्याग दिया था, पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया था। प्रभु के त्याग किए जाने के बाद सैमसन दुर्बल हो जाता है, दुश्मन उसको पकड़ लेता है और उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है, उसको गुलाम बना देता है, दास की तरह, नौकर की तरह काम करवाता है। पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया। इसी तरह प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक यूदस, जो प्रभु के वचनों को सुनता था, प्रभु के साथ 3 साल तक रहा, लेकिन प्रभु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। उसके बाद उसके अंदर जो पवित्र आत्मा का निवास सानिध्य समाप्त हो जाता है, वो निराश हो जाता है, उस निराशा में अपने आप की हत्या कर देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता थी समाप्त हो जाती है, या तो निराशा के कारण, उदासी के कारण, पाप के कारण। पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा से वंचित होने से हम लोग सूखे सूखे से हो जाते हैं। हमारे अंदर जो उमंग रहती है, जीने की आशा रहती है, जो ललक रहती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जो शांति होती है, सब भंग हो जाता है और हम खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप को हल्के से नहीं लेना। दुनिया के लोग पाप को हल्के से लेते हैं और उसका परिणाम भोग भोग कर जिंदगी गुजारते हैं। हम विश्वासियों को पाप को हल्के से नहीं लेना है, प्रभु की एक एक आज्ञा का पालन करना है। पाप कितना खतरनाक है, अभी मैंने कुछ शब्दों में समझा दिया है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21:2-3 में प्रभु क्या वचन कहता है, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते उसी तरह पाप से भागो, क्योंकि यदि वह तेरे पास आएगा वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप के दांत सिंह के दांतों की तरह है, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश कर देते हैं और मनुष्य को खोखला कर देता है।
मनुष्य को खाली कर देता है। प्रभु यीशु हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। पहला यौहन अध्याय 3:8, शैतान के कार्यों को समाप्त करने आए हैं, हमें मुक्ति दिलाने आए हैं। ये तभी संभव है जब हम पाप को छोड़कर पश्चाताप के द्वारा प्रभु की ओर फिरेंगे। प्रभु हमें छुटकारा देंगे। छुटकारा देने के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे उद्धार के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। पाप को ना कहना है और प्रभु की ओर मुड़ना है, हमारा उद्धार हो जाएगा। उड़ाव पुत्र जो पापों में अवस्था में जी रहा था, उसका फल भोग रहा था, जिस समय उसने निर्णय लिया कि मैं पिता की ओर जाऊंगा, पिता के भवन में जाऊंगा, वो पिता के घर की ओर चल पड़ा, बाकी काम पिता ने किया। पाप को हल्के से नहीं लेंगे, पाप का तिरस्कार करेंगे। जब हमें पाप से मुक्ति मिलेगी हमारा उद्धार होगा, वरना नहीं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करेंगे और अपने देश के लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। लोगों ने पाप को हल्के से लिया है, जैसे प्रभु अपने हृदय से दुख के साथ बताते हैं, उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया है, क्योंकि वे पाप में कार्य करते हैं, उनके कर्म बुरे हैं। प्रार्थना करें संसार भर के सभी लोगों के लिए कि प्रभु ने स्वतंत्रता प्रदान करें उनको, अपने पाप का एहसास हो कि पाप कितना भयानक है, पाप हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है, उसका तिरस्कार करने के लिए और प्रभु की ओर मुड़ने के लिए हम सबको कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद इस समय के लिए, तेरे अनुग्रह के समय के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है कि बेटा पाप तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम प्रभु की ओर फिरो, पाप को छोड़ो। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए, हमारे हृदयों को नाजुक बनाइए, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाइए कि हर अपराध से बचे रहे। प्रभु का वचन करता है हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश, छोटे से लेकर बड़े अपराध से हम बचे रहे। प्रभु कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए।